अभी नकली दांत गिरा दूंगा सारे अर्जुन मैं स्कैम हो गया इसके साथ तो बता दे खिलाएगी और ये बताएगी बताएगी मैं खिलाएगी यार Hey everyone, welcome back to my new vlog. काफी दिनों से मैंने रेगुलर व्लॉग बनाया नहीं क्योंकि चैलेंजेस वगैरह ही चल रहे होते हैं. मम्मी हमारी काफी दिनों बाद दिख रही है आज काम करते हुए. अभी मम्मी तो इतना काम कैसे कर लेती है यार कैसे कर लेती है काम क्या इसको काम बोलते हैं दूध गर्म कर रही है मम्मी. दूध गर्म करना पता है कितना बड़ा काम है. काम तो तुम नॉर्मल लोग दूध गर्म नहीं कर सकते. खाना मम्मी शर्मा की मम्मी डर गई आ गया परेशान कर रहे फिर से ऑफिस का काम खत्म हुआ है. अभी मैं रॉनी को भी देख रहा था. रॉनी पता नहीं कहाँ गया. अभी फिलहाल हम जाएंगे रूपाली के पास जा रहे हैं क्योंकि उसके ब्रेसेस निकल रहे हैं. तो ब्रेसेस निकल रहे हैं तो उसको डॉक्टर के पास जाना है. तो उसने कहा था तो मैंने कहा था मैं भी शाम को चल लूंगा. तो बस अभी वहीं जा रहे हैं. मम्मी कहाँ जा रही है. तो अभी अच्छा चाय तो दूध बंद कर दिया. ठीक है तो बस अभी मैं भी निकल ही रहा हूँ. तो देखते हैं क्या डिफरेंस आता है क्योंकि मैंने सुना है कि निकालते हुए बहुत दर्द होता है. तो देखते हैं मजा आएगा. रूपाली को भी लगभग एक साल हो गया ब्रेसिस लगाए हुए ना. तो परेशानी थी तो आज खुश बहुत थी. कह रही थी फोन पे कि बहुत मजा आएगा आज फाइनली ब्रेसिस उतर जाएंगे. तभी मैंने बोल भी दिया मैंने कहा रुक जा मैं कहा शाम को जाइयो मैं भी आ जाऊंगा तो फिर दोनों चलेंगे फिर बाहर पार्टी कर आएंगे खा पी कर आएंगे. तो कह रही थी ठीक है. तो इसलिए अभी मुझे जल्दी निकलना पड़ा ताकि टाइम पर वहां जाकर टाइम पर वो ब्रेसिस उतरवा कर फिर खा पी कर भी आ जाए. तो इसलिए अब सीधा मिलेंगे उसके घर पर. मैं यार रूपाली और की यहाँ घर के नीचे तो पहुंच गया. मैंने उसको कॉल भी कर दिया वो आ रही है. आगे 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 फाइनली आगे आ जा. कोई बात नहीं वहीं से आ जा. इतनी कोई तू मोटी नहीं है आ जाएगी तू. चले क्या हाल चाल. ये थोबड़े में हाथ के लगाया वैसे भी देखने लायक नहीं है. कि जब ये निकले तब मैं दिखूं. वैसे भी तेरा थोबड़ा दिखाने लायक है नहीं एक पर आज इतना दिखाऊं. अब ये ना मुझे जाकर आगी भाई क्या हा? तो ये फिर अभी भी ठीक ही नहीं हुआ तेरा मुँह. मुँह तो ऐसे रहेगा ना दांत तो ठीक है. दिखाइयो मुँह में तो तेरा बिल्कुल फर्क नहीं आया तो और खराब हो गया. क्या हुआ दिखाइए दांत ठीक हुए कि नहीं. ले जा रहे हैं वापस चल. अच्छा वैसे तूने सच में निकलवा लिया. हाँ, दिखा नहीं यार ऐसा लग रहा है कि दांत पहले से खराब हो गए ज्यादा. और तूने मुझे क्यों बुलाया फिर. ऐसे मैंने खा लेते कुछ तो तुम मेरे सुबह था तू अभी आया. तूने मुझे मैंने तो कहा था कि शाम को चलेंगे. तो तुझे तेरा ऑफिस होता फिर मैं चली गई. मेरे को खुद रास्ते पता है थोड़े बहुत फिर मैं खुद ही चली गई. मैंने इसको कहा भी था कि शाम को चलेंगे आराम से फिर शाम को आएंगे खा पी कर. अभी खुद करा कर आ गया. आप बताओ कैरी पार्टी करने चलते हैं. किस चीज की पार्टी. मेरे को डॉक्टर बोला जितना मर्जी च्युइंगम का बताओ. च्युइंगम का. च्युइंगम क्या. ऐसे वो होता है थोड़ा इसके आगे का प्रोसीजर होता है. हमने डिसाइड ये करा था कि शाम को जाएंगे और फिर आने के बाद पार्टी करेंगे. पर किस चीज की पार्टी भाई थोपड़ा तो वैसे का वैसे ही है. अरे पैसे ले आते वापस उसकी पार्टी करेंगे देंगे तेरे को पैसे. वो ये मैं सीट बेल्ट क्यों लगा लेती हूँ कितनी अच्छी हूँ मैं. चल लगा लेते चल फिर कुछ बताओ मुझे इसको. चलो यार खाने चलते क्योंकि इस पे क्या बीतती होगी बताओ. एक साल बाद निकालने के बाद भी वैसा ही फील हो रहा है तो कैसे बीतती रहेगी इसके ऊपर. निकाला ना निकाला सर्जरी थोड़ी कराई. करा लेती वो भी अच्छा आइडिया था. पैसे नहीं है पैसे नहीं है वो समझ आता पर ये मत बोल ऐसे ठीक है. मेरे लिए मैं ठीक हूँ. तेरे लिए ठीक से क्या होता है. बाकी सारे चलते हैं उंगली उठाते जाते हैं. बता बता जल्दी बता. अब मैं भूल गई मैं कुछ बोल रही थी इतना बस. हाँ जिसने ब्रेसिस लगाया गया पहले तो मैं बताती हूँ एक घंटे बोलूँ एक साल 50 दिन हो गए. और देखो बता इतने में बीच बीच में तो दर्द वही गाड़ी चल रही है खुद से. ब्रेक से मैंने पैर हटा लिया था है ना फिर से. हाँ ब्रेक से पैर हटा लिया था भाई आगे. और ना फिर क्या बोलते है ना अभी जो उन्होंने निकाला था तब ज्यादा दर्द लगाई. पहले तो थोड़ा बड़ा मुंह खोला फिर क्रच क्रच ऐसे तोड़े वो बीच में किच 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 किच. तो तूने बोला नहीं कि सर ये लगाया क्यों था जब फर्क ही नहीं पड़ा. सर था ही नहीं ना मैम थी. तो तूने बोला नहीं मैम ये लगाया क्यों. मैम बोलने नहीं देती है यार. बता तेरे इसके ऊपर हर किसी ने रोब जमाया हुआ है. और बोला रिव्यू दे देना मेरा वो तो तुमने पहले दिलवा दिया था मुझे स्टार्टिंग में आया. तो देख रहे हो ठीक है ना फर्क भी कौन सा पड़ा. ये है वो खराब लोग जो ना
किसी भी चीज के लिए एकदम से पलट जाते हैं। चलो चलते हैं, कहाँ जाना है? कुछ खाते, अबे खुद ही लेके जा रही गाड़ी। मैंने ब्रेक से पैर हटाया, दिमाग से पैदल हैंड ब्रेक। चल चले कुछ खाने चलते हैं, मार्केट में मिलते हैं दोस्तों, मार्केट में इसकी पार्टी कराते हैं। पर पार्टी पता नहीं किस चीज की हो रही है, पर फिर भी चलते हैं। एक साल के बाद आजादी मिली है। अभी ना हम साथ वाली मार्केट में आए हैं, अभी ये समझ नहीं आ रहा कि खाना क्या है। सेक्टर पंचकुला साथ, तूने पता क्या खाना है? नहीं यार, कोई एक ऐसी चीज बता जो डॉक्टर ने तेरे को अब तक खाने के लिए मना करी थी, वही खाएंगे। पिज्जा खाने को मना करा था। चल पिज्जा खिलाता हूँ। पिज्जा तो तू उस दिन मुंह फाड़ फाड़ के नहीं खा रही थी, उसके लिए मना कैसे हो सकता है? और उसको छोड़, तोड़ देगी, ये तोड़ देती है भाई। वो तूने कंपटीशन के लिए बोलता था, इसलिए खा लिया था मैंने। पिज्जा के लिए मना कर रहा था, पिज्जा जिसके भी ब्रेसेस। अच्छा वैसे भी तूने पिज्जा खाया कहाँ था? वो तो तूने दबाया था एक ही बार में, पूरे निकल रही थी, निकल रही थी, इसलिए चबा नहीं पाई थी। अब दांत खा थोड़ी रही थी, निकल रही थी। चल पिज्जा लेकर आते हैं। जब तक ना पिज्जा वगैरह बन रहा है, ये ना यहाँ पर ये देखने आगे इयर रिंग्स वगैरह देख रही है। तो मैंने इसको कुछ गलत कहा रूपाली? जो ये इयर रिंग्स देख रही है, मैंने इसको देखा कहा? ये ना मांग टीका भी देखने लगी कि इनके साथ मांग टीका भी है। तो मैंने ना सिर्फ इसको इतना कहा मांग टीके की जगह पे ये लगा ले, ये नींबू नींबू मिर्ची। स्टार्टिंग में क्या कहा था कि यहाँ पे मैंने बहुतों को दिलवाए। हाँ मैंने बहुतों को दिलवाया यहाँ पर। रूपाली इधर देखिये, भैया ने अभी सच बता दिया क्या कहा इसको। भैया ने कहा लेना है तो लो वरना निकलो। बोरे भैया सामान ले लिया हमने फाइनली। बट एक चीज की मुझे खुशी है कि रूपाली ने ना सिर्फ और सिर्फ उसको दिलाने की बात करी थी, इसको पिज्जा दिलाने की बात करी थी। आजा भाई, मैं कुछ नहीं लेकर आया, पिज्जा दिलाने की बात करी थी इसने। दिल की अच्छी है, इसने लेमन सोडा भी पिलाया और बेल पूरी भी खिलाई। और हट, जूठा नहीं पीते हम। वो भी ऐसों का जिनके मुंह में ब्रेसिस भी का कोई असर नहीं पड़ता। ब्रेसिस का असर पड़ता तो भी फर्क है, असर भी नहीं पड़ता और जूठा पिएंगे। हट। और अभी चल खुशी है, कम से कम पार्टी तो अच्छी थी। बंद होते भांगी मत। चलो यार घर पे मिलते हैं, सीधा वहीं पे खाएंगे, अपनी पार्टी वहीं पे शुरू करेंगे। और अभी तो ना इसने कुछ बनाना भी है, कोई एक स्पेशल डिश है जो है बनाएगी, वो तुम्हें भी बताएगी और खिलाएगी भी। हंस रही है, इसने कहा था भी खिलाएगी। खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी? है खिलाएगी कि नहीं बता दे, खिलाएगी और ये बताएगी। इसका टाइम पीरियड खत्म हुआ नहीं, इसने दबना शुरू कर दिया। निकल जाए एक बार में, जैसे पहले निकला था, डॉक्टर ने खाने से मना करा है। निकल जाए एक बार में, रुपाली देखा जाएगा। निकल जा, निकल जा, निकल जा। इसको खाने के बाद ना अभी ये कोई डिश बनाएगी, फिर वो डिश को रिवील करेंगे कि क्या बनाया, कैसे बनाया, ठीक है? फाइनली एट लास्ट इसके पैर पड़ने के बाद इसे कुछ बनाने के लिए रेडी हुई है। तो अभी अब बना रही है, तो खाया है पर मतलब अभी पार्टी का दांत से काटूंगी मैं। दांत तो तेरे नकली वाले निकल गए, नकली दांत निकलवा दिए उसके। नकली दांत थे तो फाइनली अब इसके नकली दांत निकल चुके हैं। और वाली एक बार असली दांत दिखाते थे, एक बार असली दांत दिखाते थे, दिखाएंगे एक बार असली दांत दिखा दे। अच्छा रूपाली एक बार दिखाइयो, जैसे वो सब में स्पीड होती है काटने की, तेरे पास भी वो स्पीड दिखाइयो, काटते वक्त की स्पीड है। अरे नहीं, बड़े बड़े पीस है ये, वो करने है। जब है ही नहीं स्पीड तो कुछ तो बहाना मार रही है। दिखाइयो, नहीं ना वो भाई, ये बहुत तेज काट रही है। तो मजाक थोड़ी कर रहा, मैं तो सच बोल रहा हूँ। क्या बना रही है तो बता दे। फुद्दू बोल दे, फुद्दू बना रही हूँ। ये इसने थोड़ा सा प्याज, थोड़ी शिमला मिर्च अजीब से तरीके से काटी है। मटर भी डालती हूँ क्योंकि तेरे को मटर वाला रोल पसंद है, इसलिए थोड़ा मटर भी डालती हूँ। मर गई यार ये चीज के। हाँ रूपाली मारूंगा बहुत, आग लग जाएगी। रूपाली ओ रूपाली करंट लगा, भगवान कसम करंट लगा। रूपाली करंट लगा, मैं मार अभी नकली दांत गिरा दूंगा सारे। अर्जा मैं अर्जा रूपाली में मार दूंगा। अर्जा जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ।
रुपाली वैसे ना मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ना ये कच्चा कच्चा प्याज भी अच्छा ये मसाले इसके लिए रुपाली मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ना सुन तो ले तूने एक बार वो बनाया था क्या एक रोल बनाया था उस टाइम तूने रोटी फ्राई करी थी ना पर अब तुझे वो घी पसंद है इसलिए तो वो वाली भी बड़ी मस्त थी अभी टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है शाबाश तगड़ा काम करा तूने फाइनली हमारी पार्टी ओवर हो गई है और मज़ेदार रहा सब कुछ सच बता रहा हूँ वैसे जो रोल बनाती है वो बहुत अच्छा था जो रेसिपी तुमने देखी होगी तुम सारे के सारे वो फॉलो कर सकते हो अभी अभी सबसे इंटरेस्टिंग क्या हुआ मैंने ना एक कुर्ता मंगाया था मेरे फ्रेंड की शादी है उसके लिए मेरा एक कुर्ता आ गया तो तूने भी हाय हेलो करने तो कर दे हाय गाइस जल्दी सारे कह रहे आजकल तू दिखता नहीं व्लॉग्स में क्यों दिखता तो तो अब वो ऐसा कह रहे पता नहीं तू इतनी देर बात कर मैं पहन कर आता हूँ पहन करके आता इधर ही पहन मेरे सामने पहन जाओ अपना फटावा अच्छा दिखा मुझे अंदर मेरे से क्या सुनवा रहा है मेरे को भी देखना है इसको ट्रेडिशनल कपड़ों में मैंने तो फिर भी कभी अगर तुम मेरे को फॉलो करते हो तो दिवाली वगैरह पे मैं तो फिर भी डाल लेता हूँ कुर्ता पजामा ये नहीं डालता कभी अभी इसके दोस्त का शादी है एक दो दिन में तो उसके लिए इसने लिया और कलर भी बेटे की जान बड़ा सेक्सी लिया और मैं पूरे के पूरे दिल से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस पे छोटा हो जाए और मेरे पे आ जाए अबे पजामा तो दिया ही नहीं अबे पजामा तो दिया ही नहीं पजामा तो दिया ही नहीं जो मैंने ऑर्डर करा था उसमें लिखा था कुर्ता पजामा इसमें पजामा तो है ही नहीं इसी में होगा पजामा यार अबे पजामा है ही नहीं ये तो कुर्ता है वाइट कलर का ये सिर्फ कट गया गाइस उसमें है क्या खुद्दू कट गया ये क्या सीन है भाई पजामा है ही नहीं फिर तूने कुर्ता कुर्ता तो नहीं किया था अबे कुर्ता पजामा स्पेशल कुर्ता पजामा करा था चल कुर्ता ही डाल ले आज के लिए पजामा तो ले कोई और से ले लेंगे बताओ ये अलग स्कैम हो गया इसके साथ तो टेलीग्राम हाँ सच में गजब बहुत गजब भाई को बोला छोटी है फिटिंग गजब पजामा मंगाने की भी जरूरत नहीं पजामा तो लाना पड़ेगा मम मैं सिलवा दूंगी यार टेलर से परसों शादी है वो कल ही सिलाती हूं कल ही सिलवा देगी लो बन की बात क्या बोलते हैं ये बिल्कुल फिटिंग आ रही है ना सही मस्त है इससे ज्यादा का ये तेरे उस दीपक की मेहंदी के ले लिया मम्मी ने तो अंकित का ब्याह करा दिया भाई मंगल स्नान के बाद का ऐसे पीला कलर हमारे मंगल स्नान पे लगाते हैं मम्मी अब बता रहा तीनों से स्मार्ट कौन है तू ये ओए ओए ये कोई बात नहीं अभी मैं डाल लूं तो मैं नहीं हो जाऊंगा पहला यार ये मेरे को देख रहे थोड़ी टाइट तो नहीं है नहीं ठीक है फिटिंग की है फिटिंग की मैंने अभी मैंने चेक कर लिया है एप्लीकेशन में पजामा और कुर्ता दोनों लिखा हुआ है दोनों के ऊपर लिखा हुआ है कि जो अपर क्लोथ है अपर कुर्ता है वो प्योर कॉटन होगा और जो नीचे का पजामा है वो भी प्योर कॉटन होगा मतलब आना था आया नहीं है अब मैं कंप्लेन डालूंगा तो परसों 25 को जाना है शादी में कैसे बात बनेगी अब देखना पड़ेगा कि क्या अब देखो कैसी दुविधा में फंस गया अब समझ नहीं आ रहा रिटर्न के लिए डालूंगा तो पहनूंगा क्या क्योंकि मैंने आज से कुर्ता नहीं ट्राई करा कभी तो पता नहीं चलो देखते हैं अब क्या होता है पर इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय टेक केयर अपना ख्याल रखना